Hello children, in English grammar class, today we will cover our 13th chapter, that is conjunction. Conjunction, basically it's a word used to join words, phrases, clauses or sentences together. माने कंजक्शन गोटे एमती शब्द कौ शब्द को आम कंजक्शन कह जो शब्द किसी गोटे शब्द को कि शब्द समूह को कि गोटे वाक्यांश को उपवाक्य और वाक्य को अन्य सब वाक्य उपवाक्य शब्द सहित जोड़ी थाए ओके तो दीटा सेन्टेन्स जब आमको दीटा अलग अलग वर्ड दि जाइए दीटा अलग अलग सेन्टेन्स दि जाइए किसी शब्द समूह दि जाइए दीटा को गोटे करने जो शब्द उपयोग करंजक्शन कही था ठीक सो डोंट कंफ्यूज इट विथ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन ए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन दे आर आल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स ए माने भी कनेक्ट करती किंतु द वर्क ऑफ कंजक्शन इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजक्शन डू नॉट डू एनी अदर वर्क अदर देन जॉइनिंग कंजक्शन रो फंक्शन होचि केवल दुईटी जिनस को जॉइन करबा Whereas relative pronoun or relative adverb join करती किंतु तासहित से माने पूर्वरु थिबा noun बा pronoun बा verb विषयरे किछ किछ सूचित हन ओके दिस एटा म बुझेबे पई कहली बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कंजक्शन जानिबे पई हम जानिबा कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड ओके आ हम वर्तमान किछ एग्जांपल नंबर जोडा को हम जानिबे कि कंजक्शन किसी गोटे कंजक्शन जो वर्ड गुडा कंजक्शन यूज कर वर्ड्स एंड बट बिकज इफ व्हेन व्हाइल अंटिल सो अदरवाइज एज इफ ओके सब यूज कर वर्तमान चल यार यूज केमती हुए आम देखा प्रथम एग्जांपल मुझे एंड ओके एंड इज अ कंजक्शन व्हिच इज वेरी कॉमन वर्ड आम बहुत छोट क्लास रो एंड एज अ कंजक्शन वी आर यूजिंग इट ओके एंड ओडिया आक्षरिक अर्थ है अथवा ओ एवं आउ ओ अर्थ सूचाई थिबा वर्ड को हम एंड कर दो ओके सो आई एम गिवन द मो किछ एग्जांपल्स नै छी रमन एंड सिमन आर कजिन्स हमको दीटा सेंटेंस दिया जाय थिबा रमन इज अ सिस्टर सो कजिन ऑफ सुमन एंड सुमन इज अ कजिन ऑफ रमन हम केम दि लिखिबा रमन एंड सुमन आर कजिन्स 2 एंड 2 मेक्स 4 ए दीटा वर्ड रे ए दीटा सेंटेंस रे एंड होची कंजक्शन बपरे यूज करा जाय छी ओके द्वितीय वर्ड हूँ बट बट रक्षरिक अर्थ हूँ किंतु तो बट आम यूज करे बी पुअर ये आम दीटा सेन्स देखा दीटा सेन्टेन्स कौन हि मे बी पुअर हि इज हापी ठीक अच्छे तो आम ये हि मे बी पुअर एंड हि इज हापी एमती लिखिपरि दिस विल बी रॉन्ग यूज ऑफ कंजक्शन एंड हो पार्टी दीटा अपोजिट अर्थ सूचा जगार ही आम बट लिखिपर जेहेतु सी पुअर अच्छी गरीब अच्छे वी विल नॉट एक्सपेक्ट कि आम ये गरीब अच्छे किंतु तथा से हापी अच्छी ना तो से किंतु शब्द जो दर्शाऊ जगार लिखा बट वी कैन नॉट राइट ही मे बी पुअर एंड ही इज हैप्पी ही मे बी पुअर बट ही इज हैप्पी ही इज रिच बट ही इज ऑनेस्ट से धनी किंतु डिसऑनेस्ट धनी धनी किंतु डिसऑनेस्ट गोटे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक गोटे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से गला ओके तापर थर्ड वर्ड इज बिकॉज बिकॉज रो अर्थ होची काहे कि ना कहीं कारण यही सब अर्थ सूचा जगह वी विल यूज बिकॉज आई वाज एब्सेंट आई वाज इल हाउ वी विल जॉइन टू सेंटेंसेस टू मेक इट वर्क वी विल राइट आई वाज एब्सेंट बिकॉज आई वाज इल नेक्स्ट वन इज आई कैन नॉट स्विम आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर आई कैन नॉट स्विम बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर गोटे जिन मन रखी कंजक्शन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स किसी वर्ड्स दीटा जगह यूज हो पारे आम दीटा सेंटेंस जॉइन कला बेले मझे यूज करवा कंजक्शन को कंजक्शन वाला वर्ड को पूर्व लिखिकिना दीटा सेंटेंस को जॉइन करके गोटे लिखिपर ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज इफ इफ अर्थ हूँ जदि यू कैन सी सन टेम्पल इफ यू गो टू कोणार्क जब तुम कोणार्क जीवे तुम सन टेम्पल देखिपर आई विल गिव यू फ्रीडम If you will give me blood, okay? एको हमें if को पूर्व रूप में लिखी परिवा. If you like this, you can take it. जब भी तुमको पसंद तो मेरा नहीं परिवा. So if can also be used in between the sentences while joining them into one, or you can use it in the starting of the sentence, okay? When? When देखा ना when मैंने हमें लिखी पर जब वीर सिंह died, he was 60. एमपी दी डे सेंटेंस मिली हुआ. वीर सिंह died, he was 60. एमपी दी डे जिनसे कुछ जोड़ी की बोट्टे करीवा. Veer Singh died when he was 60.
I saw a snake when I awoke. गोटे बेसिक डिफरेंस आम वेन आउ व्वल देखा बहुत जन कन्फ्यूज होती वेन जब भाया अर्थ को दर्शाऊ बेले व्वल शब्द मोस्टली जिते बेले को देखा था जिते बेले दिटा जिन सैमलटेनियसली हो थाए से आम व्वल लिखा कितने बेले गोटे जिनस गोटे जिन हो बेसिकली से जब वेन लगी था कि सैमलटेनियसली एक सागर दिटा जिन होतेन एन एक्जाम्पल He snores while sleeping. ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ନୋର କରୁଛି ବା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ସୋ ୱାଇଲ୍ ରାଇଟ୍ ହି ସ୍ନୋର୍ସ ହି ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ ଦ ଟୁ ୱର୍ଡ୍ସ ଟୁ ସରି ଟୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ହି ସ୍ନୋର୍ସ ୱାଇଲ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଓକେ ଡ୍ରାଏ ୟୁର୍ କ୍ଲଥ୍ସ ୱାଇଲ୍ ଦ ସନ୍ ସାଇନ୍ସ ଦିଟା ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଦିଟା ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ୱାଇଲ୍ ଲେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଇ ସେଲ୍ ଷ୍ଟେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ହି କମ୍ସ ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଏଇଟା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଫର୍ମରେ ବି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହି ରିଟର୍ନ୍ସ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ହି ରିଟର୍ନ୍ସ ସେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଓକେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଅର୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସି ମଷ୍ଟ ୱିପ୍ ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ଡାଏ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ହେଇଯାଏ ନା ଯଦି ସେ ନ କାନ୍ଦିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ସି ମଷ୍ଟ ୱିପ୍ ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ଡାଏ ତାକୁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ଅଥବା କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ସେ ମରିଯିବ ସି କ୍ୟାନଟ୍ ସିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ତ ସି କ୍ୟାନଟ୍ ନା ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନା ସେ ବସିପାରିବ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ବେସିକ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଓକେ ସୋ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାରଫୋର୍ ଅର୍ ସୋ ମୋଷ୍ଟଲି ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ସେନ୍ସ ଦେୟାରଫୋର୍ ର ଅର୍ଥ ସୋର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ତେଣୁକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ହି ଗେଟ୍ସ ଅପ୍ ଅର୍ଲି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଲ୍ଦି ହେଉଛି ତେଣୁ ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ଅର୍ ଦେୟାରଫୋର୍ ହିଅର୍ ଓକେ ସି ଲଷ୍ଟ ହର୍ ପେନ୍ ସୋ ସି ଇଜ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସି ଲଷ୍ଟ ହର୍ ପେନ୍ ଦେୟାରଫୋର୍ ସି ଇଜ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଓକେ ସୋ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଦୋ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋ ଦିଟା ଯାକର ସମାନ ଅର୍ଥ ଦିଟା ଯାକର ଅର୍ଥ ଆସିଥାଏ ଯଦିଓ ଦୋ ଆଉ ଅଲ୍ ଦୋକୁ ବି ଆମେ ମଝିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଦୋ ହି ଇଜ୍ ରିଚ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ମାଇଜର୍ ଅଲ୍ ଦୋ ହି ୱର୍କ ହାର୍ଡ ହି ଫେଲ୍ ବହୁତ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ଯଦିଓ ସେ ରିଚ୍ ଅଛି ସେ ମାଇଜର୍ ଅଛି କୃପଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନହେଲେ କମ୍ ହିୟର୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅ ସ୍ଲାପ୍ ଏଠିକି ଆସିଯାଅ ନଚେତ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ମାଡ ବାଜିବ ଡୁ ଦିସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ପନିଶ୍ ୟୁ କରିଦିଅ ନଚେତ୍ ନହେଲେ ଟିଚର୍ ପନିଶ୍ କରିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଆଜ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ ସି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲେଟ୍ ସି ମିସ୍ ଦ ବସ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସେ ବସ୍ ମିସ୍ କଲା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଯେହେତୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଶୋଇବା ଦରକାର ତମେ ଶୋଇବା କଥା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଆଇଦର ଅର୍ ଆର୍ ନାଇଦର ନର୍ ଆଇଦର ଅର୍ ନେଦର ନର୍ ର ଅର୍ଥ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଜ୍ କରିକି କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ ଆଇଦର ଅର୍ ଆର୍ ନାଇଦର ନର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣ ମୁଁ ରାମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଆଇଦର ଡଟ ଡଟ ଅର୍ ଲେଖିଛି ବା ନାଇଦର ଡଟ ଡଟ ନର୍ ଲେଖିଛି This is important to understand that this dot 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 signifies that some more words has to be inserted in between. Either pare kichhi word rahila pare or rahibo, neither pare kichhi word rahila pare nor rahibo. Set pai a sentence ra construction ba structure emiti kara jaichi dot 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 dekhi mu likhichi okay. Will ame eta beshi confirm hoba example dekhi ki na I can help either Ram or Sam. Hala? ଆଇଦର ପାଖରେ ଆମେ ରାମ ଲେଖିଲି ପୁଣି ଅର୍ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ରହିଲା ଠିକ ନାଇଦର ହି ଇଜ୍ ଗିଲ୍ଟି ନର୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ନା ସିଏ ଗିଲ୍ଟି ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଗିଲ୍ଟି ନୁହନ୍ତି ସିଏ ନୁହେଁ ଇଏ ନୁହେଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବାଛିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିକିନା ମୁଁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଢିଛ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ଟା ସବୁଠୁ ଇଜି ଲାଗିବ ଇଜନ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଜି ଓକେ ସୋ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲସୋ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେନ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବ ଓକେ ତ
So we'll take some example. He built not only a road but also a house too. से खाली रोड टा बनेनि आहुरी से घर मध्य तयारी करछि. ओके एई सेंस बुझौथबा अर्थ को आमे देखि कि व्हेन विल गिवन इन द एग्जांपल विल गिवन टू डिफरेंट सेंटेंसेस विल हैव टू जते बले एमिति अर्थ बुझौथबार सेंटेंस आसीथिवे विल हैव टू यूज नॉट ओनली बट आल्सो. एटी बे आमे डॉट डॉट देइछु नॉट ओनली माय मदर बट आल्सो माय सिस्टर कुक्स वेल. खाली मोर मा नुहे मोर भौणी भी भलो रोसे करन्ति. सी not only pakare am jo dot 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 dechu I filled up that gap with my mother. Is it clear? Tapare bottles pakare next now next word is ajif. Ajif mane jepariki jemiti ki he walks as if he is the king of the road. Se emiti chaluchi jemiti se rastara raja. He memorizes as if he is a parrot. He memorizes end the data sentence as he memorizes he is a parrot. तम कौन लिखियो हिज मेमोराइजेस एंड हिज पैरेट बट हिज अ पैरेट एसो अर्थ बुझोनी एठी हमको बुझिबा को पड़िबो. एठी दिस सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू वन बाय यूजिंग द कंजक्शन वर्ड ऑफ अजी. सेमिति माने रखछि जेमिति कि से गोटे सुआ सुआ जेमिति सब बहुत माने रखि कथा कहि दे सेमिति माने रखछि. ओके नेक्स्ट वर्ड इज अनलेस. अनलेस ता होछि जेबे जाय एटा गोटे कंडीशनल स्टेटमेंट रे यूज होथाय जते बेले इफ ता जेमिति हम कंडीशनल रे यूज करलो दीटा जिंस गोटे हेलापर आउ जने आउ गोटे देखो फॉलो करथु से जगह रे कंडीशनल हेले हम अनलेस यूज करबा. यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. जदी तमे काम न करिवो परिश्रम न करिवो ताले तमे पास करिवो नाही. यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. ओके अनलेस वी सेंटेंस रे पूर्व यूज करा जाय परबो. यू कैन राइट इट लाइक दिस अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास बट बी वेरी शॉर्ट पुट अ कॉमा. आमे कंजक्शन यूज करला बळे जते बळे दीटा सेंटेंस को गोटे करूचे प्रथम सेंटेंस कोठी सरुची कोठे हमको गोटे कमा देबा को पड़िबा सेही सेंस को आमे माइंड रे रखी के विल हैव टू राइट द सेंटेंस. इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट सेंटेंस डोंट कॉल मी अप अनलेस इट्स एन इमरजेंसी. है ना एटा कंडीशनल स्टेटमेंट हला एटा जति इमरजेंसी हबो इमरजेंसी न हबो ताले मते तमे कॉल करिवनी. है ना द अनलेस मोस्टली देखो अनलेस जोटी यूज होचे सेटा अनलेस यू वर्क हार्ड जति तमे परिश्रम न करिवो अनलेस इट्स एन इमरजेंसी जति एटा इमरजेंसी न होबो सेही सेंस रे बुझियो चेष्टा कर अनलेस रे यूज केमिति होची. ओके आउ हमे आगुर जोटा डिस्कशन करथिले रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन आउ प्रीपोजिशन रे भी यूज हुए सेही सेंस रे देखो व्हेन वेदर व्हिच वेयर ए सब भी सेंटेंस को जॉइन करिवारे यूज करितांती. दिस इज द प्लेस वेयर शी स्लीप्स एटा सेही जगह हमे एमिति क्वेश्चन आस्तिवो दिस इज द प्लेस he sleeps हमको जोड़ीबा को पड़िबो this is the place where he sleeps. question में come in another format this is the place dash he sleeps सेटी हमको where लिखबा को पड़िबो. ओके वर्तमान देखिवा आ गोटे कॉम्प्लिकेटेड कंजक्शन as well as एटा हमें पढ़िथिले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे. वर्तमान देखिवा as well as रो अर्थ होछ सहित. सीता as well as गीता टॉप द क्लास. सीता सहित गीता मध्य ए सेंस रे हमें as well as को यूज करिवा. सीता एंड गीता टॉप द क्लास दिस इज वेरी कॉमन यूज. तर कॉम्प्लिकेटेड यूज होची सीता as well as गीता टॉप द क्लास. ओके नाउ लेट अस डू सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. किछ गो क्वेश्चन सॉल्व करके देखिबा एरे यूज केमती होची. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड इज क्राइंग दैट ही इज हंग्री. कौन लिखवा द चाइल्ड इज क्राइंग से कांदुची से भुकरे अछि ताले कौन होबो एठी बिकॉज़ द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज़ ही इज हंग्री. एठी कौन लिखवा ही विल पास डैश ही रीड्स. कौन होबो ही विल पास इफ ही रीड्स जति पढ़िबो ताले पास करिवो. आई वाज स्लीपिंग डैश ही केम हियर. देखो मु सोइथली जते बेले से आसीला जेबे से आसीला सो व्हेन ही कम्स हियर when he came here. sorry next dash is foolish dash is careless. mane se foolish bhi se careless bhi mane not only he is foolish se khali foolish nahi auri madhya se careful. mane padchi not only is foolish but also he is careless. he is ill dash he doesn't complain. it call kiwa he is ill yet he doesn't complain. जदि से इल अच्छी तथापि से कंप्लेन करे नी. ही इज क्लेवर दैट्स लेजी. ही इज क्लेवर बट लेजी. है ना दिटा हम देखले अपर
भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न कैटेगोरी रा शब्द यूज हेचंती सेत पई विल राइट बट दैट ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी एठी हमें दो किंबा ऑल्दो लिखि परबा ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी बेसिकली करबो कंजक्शन रा प्रैक्टिस करबो सेतले कंजक्शन वर्ड्स कोटा क्लियर हे परबो वेट हियर दैट आई केम बैक वेट हियर टिल बा अंटिल Till I come back, or until I come back. Specific use ना था यार सब words जाने थी बाद यार माने रखो बारा basic use होची basic rule होची conjunction रा words जाने था words रा meaning जाने था sentence पढ़ी ला बाले automatically that will come into your mind ये एक ए sense रे use होची तो you will use that word okay walk fast dash you will be late walk fast or you will be late Chitra, that's her sister is a good singer. That means Chitra is a good singer. Her sister is a good singer. Yara, ahuri bhi uje chhi. Both Chitra and her sister is a good singer. Not only Chitra, but also her sister is a good singer. Ek jodi dita different sentence dei thanta, we would have used it in that sense. Kintu jehetu it is in the form of fill in the blanks, we will write it. Chitra, as well as her sister is a good singer. I hope kichhi problem na thiba. Conjunction is easy. Thank you.